हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक पर। तो चलिए हम लोग आज की अपनी दूसरी क्लास परसेंटेज के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम लोगों ने कल कहां पर ख़त्म किया था? कल हम लोगों ने ख़त्म किया था कि जैसे कि किसी नगर की जनसंख्या होगी, जैसे देखिए कल हम लोगों ने ख़त्म किया था कि कितनी ओवरऑल कितनी वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कल मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन निकालना बता दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सब याद कर लिए होंगे, ठीक। और याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे आप पे आपको अपने आप आने लगेंगी वो सब चीज़ें। देखिए कल जहाँ पर ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन में कल की क्लास का देखता हूँ कि देखिए, ऐसे क्वेश्चन है क्या कि किसी नगर की जनसंख्या क्या, देख लीजिए, किसी नगर की जनसंख्या क्या, किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष कितनी, पहले वर्ष 10% की क्या वृद्धि होती है, ठीक। किसी नगर की जनसंख्या में कितने पहले वर्ष 10% इंक्रीज होता है, ठीक, तथा दूसरे वर्ष कितना 20% की कमी होती है, ठीक, तथा तीसरे वर्ष 15% की वृद्धि होती है, तथा चौथे वर्ष 33.3% की वृद्धि होती है, ठीक, वृद्धि होती है। तो 4 वर्ष बाद क्या नगर की जनसंख्या में 4 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या में कितने 50% की कमी या वृद्धि होगी, ठीक। सवाल क्या कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, तथा दूसरे वर्ष 20% की कमी, तथा तीसरे वर्ष 15% की वृद्धि, तथा चौथे वर्ष 33.3% की वृद्धि होती है, तो 4 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था किस प्रकार से फ्रैक्शन बनाते हैं, मतलब पी वाई क्यू या अंश बटे हर के रूप में किस प्रकार तोड़ते हैं। तो देखिए 10% को मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, 10% बराबर कितना होता है 1/10, ठीक, 1/10। और 20% बराबर कितना 1/5, ठीक। और 15% बराबर कितना होगा 3/20 या 3/20, ठीक। और 33.3% बराबर कितना 1/3, ठीक। किस प्रकार से होगा एक बार फिर बता दे रहा हूं मैं, ये वैल्यू किस प्रकार से निकाल के आई है। देखिए 10%, ठीक, तो 10% क्या होगा, 10% क्या बराबर परसेंटेज हटेगी 100 नीचे आएगा, 1/0 से 0, 1/10, ठीक। अगला क्या है 20%, 20/100, बटे में 100 क्यों करते हैं बच्चों, अगर परसेंटेज हटाएंगे
तो 100 नीचे आएगा। मैंने आपसे कल क्या बताया था, अगर परसेंटेज को तोड़ना है तो 100 का भाग करते हैं, और अगर परसेंटेज को बनाना है तो 100 का गुणा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या परसेंटेज में तोड़ रहे हैं तो 100 का भाग करेंगे, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 1/5। अगला क्या है, 15%, 15% बराबर बच्चों क्या होगा, 15/100 कितने जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 100, तो 3/20। अगला क्या है, 33.1/3%, इसको किस प्रकार लिखेंगे, 33×99 = 100, 100/3, प्रतिशत हटेगा 100 नीचे आएगा, तो 100 से 100 कट गया बराबर 1/3। ठीक, इतना आपको समझ में आया। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, जहां वृद्धि हो रही है वहां जोड़ देंगे, जहां कमी हो रही है वहां घटा देंगे। देखो, किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है। ठीक बच्चों, कितने 10% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो मैंने क्या कहा था, घटे या बढ़े ऑलवेज ऑन बेस, आधार पे घटे या बढ़े, तो कितना बढ़ रहा है, तो 10 के आधार 10 है, बढ़ा कितना 1, तो कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या हो रहा है, दूसरे वर्ष 20% की कमी, यहाँ पे कमी हो रही है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 1 चला जाएगा, ऊपर 1 है क्योंकि, तो 4। ठीक, तीसरे वर्ष 15% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, 20 से 23। अगले वर्ष क्या है, 33.1/3% की वृद्धि, तो कितना, 3 से 4। ठीक बच्चों, इतना समझा आपने। अब देखिए, जो जो कुछ कट रहा हो उसको काट दो, कुछ नहीं कट रहा है यहां पे, देखो 4 × 4 = 4, 4×5 = 20। ठीक, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, हाँ, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। ठीक, और नहीं कट, देखिए इस साइड के नहीं काट देना, इस साइड से इस साइड वाले कहीं भी काट दो, मतलब क्रॉस कटेंगे। ठीक, कोई भी, तो अब क्या करेंगे, तीनों का गुणा कर लो, कितना हो गया, 5 × 25 = 125, 125 × 3 कितना हो गया, 375, 375। यहाँ पे कितना आया, 11 × 22, 22 × 23, 22 × 66 = 6, हाँ से लाइन 6, 22 × 44 = 50, 506। देखिए अब यहाँ पे कितना हो रहा, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, वृद्धि हुई ना, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, तो कितनी, 5, 6 में से 5 गई 1, ठीक, 10 में से 7 गई 3, 131 की वृद्धि हुई, हुई किस पे, 375 पर। क्या करेंगे, 131 की वृद्धि हुई 375 परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, कितने से काट दें, 25 से काट दें, 25 एकम 25, कितनी बची, 12 × 25 = 125, हाँ 25 × 4 = 100। ठीक, कितना होगा, 4 × 4 = 12 × 2, हाँ चला 1 × 4 = 5, 524/15। ठीक, 15 × 3 = 45, 7 × 4, 15 × 4 = 60, 14 × 0 = 0, 15 × 8 = 120। ठीक, 34.8 के समथिंग इसका आंसर होगा। ठीक, देख लीजिए आप, कैलकुलेशन खुद करना, बता दिया मैंने, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, इसके बाद आज हम लोग कहाँ पर शुरू करेंगे, आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पर आएंगे। ठीक है बच्चों, देख लिया आप लोगों ने यार, देखिए मैंने बता दिया आपको 1/10 किस प्रकार आया, फ्रैक्शन तोड़ के बता दिया किस प्रकार की, वो बता दिया कितने की वृद्धि हुई, इतना हुई। आज आते हैं आप लोग, हम लोग दूसरे टाइप पर। ठीक।
देखिए सवाल कहता है कि किसी नगर की जनसंख्या में, एक नगर की जनसंख्या में कितनी 25% की वृद्धि होती है। ठीक, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है बच्चों? 25% की। एक सेकेंड, साफ कर दूं मैं थोड़ा। देखिए क्वेश्चन लिखिए, किसी नगर की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर दे बच्चों? 25%। ठीक, 25% की वृद्धि होती है। ठीक, समझ में आया आप लोगों को कि किसी नगर की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है। ठीक, होती है यदि तीन वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, ठीक, कितनी 10,000 हो जाती है। देखना, किसी नगर की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है यदि 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 10,000 हो जाती है, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। ठीक बच्चों, करिए आप लोग ये सवाल। देखिए, किसी नगर की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है यदि 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या 10,000 हो जाती है, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? हम लोगों को यह देखना है। तो देखिए क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि होती है, कितनी? 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, तो 25% की वृद्धि हो रही कितनी? 3 बार। ठीक, तो किस प्रकार लिखेंगे? 25% बराबर 1/4। ठीक, तो 25% बराबर कितना होता है बच्चों? 1/4। तो 3 बार करना है वृद्धि, तो 4 से 5 पांच क्यों कर रहे हैं हम लोग? 4 से क्या जा रहा है? 1 बढ़ रहा है ऊपर, तो वृद्धि तो 4 से 1 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ कुछ कट तो रहा है? नहीं कट रहा है कुछ, तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 चौके 64, 25 पंचे 125। ठीक, ये क्या है? ओरिजिनल होती है यहां पर, इस साइड न्यू निकल के आती है। ठीक, वर्तमान कितनी है? 64, हो कितनी गई? 125। तो सवाल क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 10,000 हो जाती है, तो हो कितनी रही है? 125। तो क्या करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी वैल्यू कहां पे? यहां पे 10,000 है किसकी? 125। 10,000 हो जाती है, ठीक, 3 वर्ष बाद हो जाती है। देखिए, अगर आप लोगों ने यह समझ लिया कि कौन सी संख्या इनमें से नीचे आएगी और किसका गुणा होगा, आप समझ लो पूरी मैथ आपको बनने लगी। और समझने के लिए आपको केवल इतना याद करना है कि वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। तो वैल्यू कितनी है? वैल्यू होती है ये संख्या, जैसे 10,000 हो गई, क्या वैल्यू? ये वैल्यू किसकी है? किसकी है? 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो रही है? 10,000 हो रही है। कितनी? 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या बच्चों कितनी हो रही है? 10,000 हो रही है। और यहां पर कितनी हो रही है? 125 हो रही है। तो वैल्यू 10,000 किसकी है बच्चों? वैल्यू जो 10,000 है वो बच्चों 125 की है। किसकी? 125 की।
क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 10,000 हो रही है तो वो ऊपर आ जाएगी, 125 यहाँ पर 125 हो रही है 3 वर्ष बाद तो वो नीचे आ जाएगी। चाहिए क्या? वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 64। काट के देखो, 25 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5 पान 8 40, 0 0 8 चौके 32 की 2 हंसलाई 3, 8 छंग 48, 49 50, 51 5120। आंसर आपका यह रहा। ठीक, आंसर ठीक। तो वर्तमान जनसंख्या नगर की कितनी थी? 5120। देखो, जो पूछे उसका गुणा करते हैं, जो वैल्यू दी हो, जो अपनी वैल्यू निकल के आए उसका भाग करते हैं, बस इतना ही है। आप पूरी परसेंटेज, पूरी प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा SICI, पूरा रेशियो इसी पर आधारित है, 4 से 5, 3 से 4। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको मजा ना आए पढ़ने में तो कहना आप। ठीक, आपको छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं, आप पूछते रहिए। ठीक, कमेंट करना आपको जहां पर समझ में ना आए। ठीक, क्योंकि अभी लाइव की भी तो व्यवस्था हो नहीं सक रही कि लाइव में पढ़ा दूं आपको, उसके लिए देखिए डाटा भी चाहिए होता है। ठीक, तो उसके लिए आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो धीरे धीरे होगा, तो लिख लीजिए आप लोग। ठीक, नेक्स्ट टाइप है जी। अगर देखिए, अभी तक अपन ने क्या देखा कि परसेंटेज में निकालते थे। अगर परसेंटेज में निकालना होता कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो इसका मान वैल्यू की कोई वैल्यू ना होती, ये तो ऐसे गुमराह करने के लिए दे देते हैं। लेकिन अगर संख्या में पूछे तो फिर वैल्यू की कीमत होती है। ठीक, तो समझ लीजिए, लिखिए। तो साफ करूं मैं, अब देखो, अब आप लोग दो यहां पे नगर की जगह कुछ दे दे, किसी पेन की कीमत में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, मेज की कीमत में इतने, मोबाइल की कीमत में, फलाने की कीमत में, मतलब यहां पे कुछ दे दे, आपको इनसे मतलब है बस। अब जैसे दे दे कि किसी नगर की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की बच्चों? 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है। अरे 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, 3 वर्ष, एक सेकंड सवाल देख लूं क्या है, 3 वर्ष। ठीक, तो 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या कितनी है? ठीक, 12,500 थी, 12,500 थी, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? ठीक, यदि किसी ने सवाल, ये मैंने क्यों कर दिया, इतना लिखना पड़ेगा, अपने पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि स्लाइड बदली दूसरा क्वेश्चन, तो टाइम कम होगा, थोड़ी सा चेंज करना था। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या में कितने 20% या 20% की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की? 20% की वृद्धि होती है। यदि 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या 12,500 थी, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? ठीक, तो कितने? 20%, 20% बराबर मैंने क्या बताया था बच्चों? 1/5, कितने? 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6, 3 वर्ष बोल रहा है, 3 बार हो गया, 125 और 6×6=26, 216, 212, 216। ठीक, 216। अब क्या कह रहा है देखिए, पहले नगर की जनसंख्या कितनी? 25, 1/12, 500। ठीक, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो वर्तमान जनसंख्या यहां पे क्या हो जाएगी? वर्तमान जनसंख्या यह हो जाएगी। ठीक, तो इसका गुणा कर देंगे 216 का,
पहले कितनी थी 125, 125 का भाग कर देंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे वर्तमान जनसंख्या पूछ ले, पहले की जनसंख्या दे दी जाए, वर्तमान पूछ ले तो क्या पहले की दे दी तो इतनी, क्योंकि वृद्धि होके अभी कितनी हो गई, इतनी हो गई, बढ़ के पहले कितनी रही होगी, इतनी, वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, इतनी। बस आपको यही समझना है कि सवाल कह क्या रहा है। देखिए सवाल कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है, ठीक, अगर 20% की वृद्धि होती है तो नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, तो पहले 125 रही होगी, वृद्धि हो गई, बढ़ के कितनी हो गई, 216 हो गई। तो अब बस सवाल जो कहता है वो कर दो। तो 12,500 किसकी वैल्यू है, 125 की, चाहिए किसकी, 216 की। ठीक, तो 125 125 कट गई, आंसर कितना आ गया, 216,000, 21,600 जनसंख्या हो जाएगी बढ़कर। ठीक, सवाल देखिए आप लोग। अगला सवाल देखिए आप लोग, और देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक लीजिएगा, जहां समझ में ना आए एक बार वीडियो को फिर पीछे कर लीजिए। देखिए मैंने क्या कहा, 125 पहले थी, अब बढ़कर कितनी हो गई, 216। तो बस वर्तमान जनसंख्या दी थी उसने, मतलब वर्तमान पूछी है, तो वर्तमान का गुणा कर देंगे, वैल्यू किसकी, 12,500 वैल्यू किसकी, 125 की, चाहिए किसकी, 216 की, तो बस 216 का गुणा कर दिया। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आ जाएगा, आप मौका लगा दोगे, 20% बढ़ रही है वर्तमान, इतनी 125 125 कर जाएगी, 216,000, मौका लगा दोगे आप लोग ये सवाल। उसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करोगे, जब आप सवाल लगाओगे। ठीक, देखिए और नोट्स आप प्रॉपरली बनाते जाना, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस रिवाइज करने के लिए आप देखो किताबों को भूल जाइए, नोट्स बनाओ पहले, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस जैसे कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर लगा लो, उससे रिलेटिव अगर आपके पास टाइम है तो उससे रिलेटिव जितने एग्जाम होंगे थोड़ी बहुत उनके लगा लो, वो लग जाए, उसके बाद आप क्या मॉडल टेस्ट लगाओ, बस और कुछ नहीं। किताबें भूल जाओ, क्योंकि किताब आप भी पूरी नहीं लगा पाओगे, किताब कैसे लगाओगे, आप देख लोगे लगा लिया, बस एक बार लगा लोगे दोबारा लगाओगे आपको कहोगे आपको सब बनता है, इसलिए प्रीवियस ईयर लगाओ। ठीक, और मॉडल सेट लगाओ बस, लेकिन सबसे पहले क्या सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक, देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, देखिए बच्चों अगला सवाल कहता है कि देखो 2003 के शुरुआत में, सवाल लिखिए आप कि 2003 के शुरुआत में क्या 2003 की शुरुआत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या कितनी थी, 1,000 थी, यदि प्रति वर्ष मेंढकों की संख्या में कितना 20% 20 नहीं करता हूं, 10% की वृद्धि होती है तो
2005 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या क्या होगी। ठीक, सवाल क्या कह रहा है बच्चों कि 2003 की शुरुआत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या 1000 थी। यदि प्रति वर्ष मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो 2005 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या क्या होगी। ठीक, सवाल ये रहा आपके सामने, लगाइए आप लोग। देखिए सवाल लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इस सवाल में, बस जिसने ये सवाल लगा लिया समझ लो उसके पिछले सभी सवाल माफ, सभी सवालों की गलतियां माफ। चलिए देखिए, तो सवाल कह रहा है 2003 की शुरुआत में और 2005 के अंत में तो कितने टाइम हो गया। देखिए टाइम कितना हो गया, 10% की वृद्धि, 10% बराबर कितना होता है बच्चों, 1/10। ठीक, 10% बराबर 1/10 क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होगा तो क्या होगा, 10 से 11 होगा। ठीक, क्या कह रहा है, प्रति वर्ष 2005 के अंत में, तो कितने साल का टाइम लगा होगा। देखिए कई बच्चे कर रहे होंगे 2 साल, 3 के बाद 4, 4 से 5, 2 साल, लेकिन कितना है। देखिए 2003 की शुरुआत में, जब 2003 की शुरुआत में होंगे तो पूरा 3 होगा, पूरा 4 होगा, और सवाल क्या कह रहा है, 2005 के अंत में, तो 2005 भी पूरा होगा। देखिए 3 की शुरुआत हो गई, 4 हो गया, और 5 की भी शुरुआत से अंत तक, तो कितने साल हो गए, 3 साल हो गए। ठीक, तो 3 साल हो गए तो 3 बार बढ़ा दो, 10 से 11 कितना हो गया, कट तो रहा नहीं कहीं, तो कितना होगा, 1, 2, 3, 0, 13, 31 ग्यारह का क्यूब कितना होता है, 13, 31। देखिए बच्चों आपको अगर सीखना है तो 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए 30 तक, और 30 तक वर्ग देखिए, और आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आप लोग यहाँ पर नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, जॉब के लिए पढ़ रहे हो, कोई बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप। ठीक, तो इतना तो आपको याद करना ही होगा। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 13, 31। 10 का क्यूब 1000। अब क्या कहता है, शुरुआत में एक तालाब की मेंढकों की संख्या कितनी है, 1000। देख लो सवाल बिल्कुल खत्म हो गया यहीं पे, 1000, और शुरुआत में है कितनी, 1000, कितनी हो जाएंगी, तो 2005 के अंत में कितनी हो जाएंगी, 13, 31 हो गई ना, इतनी है, बढ़ के कितनी हो गई, इतनी, तो बढ़ के इतनी हो गई, पहले कितनी थी, इतनी, तो बस 1, 3, 0, 3, 0 कितना हो गया, 13, 31 इतनी हो गई। देख रहे हो सवाल, मौकात लगा देते आप लोग देख के सवाल, 3, 10% बढ़ रही, 1000 है, बस यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं आप, 2003 है तो बोले आप देखो 4 और 5, 2 साल देखते आप लोग, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कितना, 3 साल, तो बस 3 साल देखते हो तो 1000, 10 का क्यों 1000, 1000 से 1000 कट जाएंगे, कितना, 13, 31 बचेगा। अब मौकात लगा देते, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको। ठीक, तो क्या 13, 31 का गुणा, वैल्यू किसकी, 1000 वैल्यू किसकी, 1000 की, चाहिए किसकी, 13, 31 की, तो 13, 31। बस आप लोगों को इतना सीखना है किसका गुणा होगा, किसका भाग होगा। ठीक, अगले देखिए, एक अगला सवाल देखिए आप लोग,
अगला सवाल और देखिए, आप इसी टाइप का एक सवाल और देख लीजिए। देखिए, किसी किसी क्या कर दूं यहां पे, चलो मोबाइल फोन की दे रहा हूं, ठीक, क्योंकि हर बच्चों के पास होगा मोबाइल फोन बाबू फोना करने के लिए, ठीक। तो क्या किसी मोबाइल की कीमत में प्रति वर्ष कितना 33.3% की कमी होती है, ठीक। किसी मोबाइल की कीमत में प्रति वर्ष 33.3% की कमी होती है यदि मोबाइल का वर्तमान मूल्य कितना है 27,000 है, तो 3 वर्ष के बाद मोबाइल मोबाइल की कीमत क्या होगी, ये सवाल लगाइए आप लोग। किसी मोबाइल की कीमत में प्रति वर्ष 33.3% की कमी होती है यदि मोबाइल का वर्तमान मूल्य 2700 रुपये है, तो 3 वर्ष के बाद मोबाइल की कीमत क्या होगी। चलिए लगाइए बच्चों सवाल, देखते हैं आप लोगों को आता है नहीं। चलो देखो क्या कह रहा है, 33.3% की कमी बराबर कितना होगा 1/3, कमी हो रही तो क्या हो जाएगा 3 से 2, क्योंकि 3 साल है तो 3 वर्ष कर दिया, 2 बार होता तो 2 वर्ष का होता तो 2 बार करते, 4 वर्ष का होता तो 4 बार करते, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कर तो रहा नहीं है कोई, 3 × 9=27, 2 × 4=8, क्या हो रहा है कि वर्तमान कीमत इतनी है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी कीमत, अभी इतनी है क्या हो जाएगी, तो ये गुणा होगा, ये नीचे आएगा, कितना 27,000/27 गुणा 8, 27 × 27 बराबर कितना 8, 3 वर्ष के बाद घटकर कितनी 8,000 हो जाएगी। देखिए हम लोगों को बच्चों इतना समझना है कि वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, ठीक। आपने यह समझ लिया तो मैं देखो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, अगर आप लोगों ने यह समझ लिया कि वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, तो यकीन मानिए आपको पूरी मैथ हलवा लगेगी, और कौन से गाजर का हलवा लगेगी, आपके मन पसंद हलवा, समझ रहे हो ना। तो क्या 27,000 वैल्यू किसकी है, वर्तमान मूल्य इतना है, घट के कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद हो जाएगी तो 8,000। देखिए सवाल कह क्या रहा है, इसको पकड़ना है, ठीक। अगर पूछ लेता कि 3 वर्ष पहले इतनी है, ठीक, तो इतने परसेंट की वृद्धि होगी, वर्तमान मूल्य क्या होगा, अगर पहले की होता तो ए वाला नीचे आ, तो नीचे तो वर्तमान आता, ठीक। अगर 3 वर्ष पहले इतनी है और बढ़ के कितनी हो गई इतनी या घट के कितनी हो गई, तो वर्तमान में फिर इसका गुणा होता, लेकिन इसमें क्या क्या दिया, क्या वर्तमान मूल इतना है, ठीक, तो अभी कितना है 27,000 है, और अभी वर्तमान कितना निकला इतना, क्योंकि बढ़ के हो जाएगी तो इतनी हो गई, तो होके इतने का गुणा कर दिया हमने, कितने का 8 का, तो कितना हो गई 8,000। तो समझ में आया आपको कि वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, 27,000 वैल्यू किसकी 27 की, चाहिए किसकी 8 की, तो गुणा 8 का, तो वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी 27,000/27 × 8 = 8,000, देख रहे हो 3 वर्ष बाद कितनी कम हो गई
वैल्यू मोबाइल की 8000। ज्यादा पबजी खेल लिया होगा तो बस मोबाइल के पुर्जे वर्जे ढीले। चलिए आपको एक क्वेश्चन और इस टाइप का बताता हूं, इसके बाद करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप शुरू। क्वेश्चन किस पर दूं? चलिए अभी प्रेजेंट में आईपीएल चल रहा हूं, अपने क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईपीएल के टिकट पर देता हूं मैं क्वेश्चन। देखिए आईपीएल के, देख लीजिए आईपीएल के टिकट में यदि पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, ठीक, तथा दूसरे वर्ष कोरोना के कारण 33.3% की कमी होती है तथा अगले वर्ष टिकट की कीमत में 14.7% की वृद्धि होती है, ठीक, यदि टिकट का वर्तमान मूल्य, एक सेकंड कितना हो, आपको कैलकुलेशन ना फंसे इसलिए थोड़ा देख लूं। का मूल्य कितना है? ₹21,600 है, ठीक, यदि टिकट का वर्तमान मूल्य 21,600 है तो 3 वर्ष पहले टिकट का मूल्य क्या रहा होगा? देखिए आईपीएल के टिकट में यदि पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष कोरोना के कारण 33.1% की कमी होती है तथा अगले वर्ष टिकट की कीमत में 14.7% की वृद्धि होती है, यदि टिकट का वर्तमान मूल्य कितना 21,600 है, 21,600 है तो 3 वर्ष पहले टिकट का मूल्य कितना होगा? अब देखिए 3 वर्ष पहले आ गया तो इस साइड वाला नीचे आएगा, ठीक, इस साइड वाले का गुणा होगा क्योंकि पूछ रहा है 3 वर्ष पहले मूल्य क्या रहा होगा, ठीक। तो देखिए 10% की वृद्धि मतलब 10% 1/10 होता है तो 10 से क्या हो जाएगा, ओ दैया 10 से 11, ठीक, तथा दूसरे वर्ष 33.1% की कमी होती है तो इसका मान क्या होता है 1/3, किसका 33.1% बराबर 1/3, 3 से क्या 2 हो जाएगा, ठीक, सवाल पॉइंट में आएगा लगभग। तथा अगले वर्ष क्या है
2/7% की क्या वृद्धि होती है। तो वृद्धि मतलब कितना, 1/7 होता है इसका मतलब, किसका 14/2% की वैल्यू कितनी होती है 1/7। मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, ठीक। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 7 से 8। कुछ कट रहा है, कट तो रहा है 2 × 5 = 10, लेकिन काटो नहीं, नहीं तो आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो 7 × 21 = 210, ठीक। 8 × 11 = 22, 8 × 16 = 17, 176। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। अब सवाल कह रहा है कितनी वर्तमान जनसंख्या कितनी है इसकी, 216000। अब बताइए वर्तमान में कितनी, कौन नीचे आएगा। देखिए बच्चों वर्तमान में अभी आएगा 176 नीचे, 176, ठीक। गुणा किसका करेंगे, 210 का। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि कभी आप इस साइड वाला नीचे कर देते हो, कभी आप उस साइड वाला नीचे। तो देखिए अगर आपसे पूछे सवाल में कि 3 वर्ष पहले टिकट का मूल्य, अगर पहले पूछे तो ए वाला गुणा करेंगे, ठीक। अगर पहले का मूल्य कि 3 वर्ष पहले इतनी थी, तो अगर ये होता कि 3 वर्ष पहले इतना है मूल्य, तो ए वाला नीचे आ जाता। अगर पहले का पूछे तो वर्तमान फिर इस साइड वाला कहलाएगा, ठीक। और अगर वर्तमान दे दो बाद का पूछे तो वर्तमान ही कहलाएगा। समझ में आया आपको। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास एक मार्कर है, इसके मूल में 10% मतलब कि 10% की वृद्धि होती है, और इसका मूल कितना 1000 हो गया, ठीक, या 13/31 हो गया, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल क्या रहा होगा। तो जब 3 वर्ष पहले जो होगा मूल, उसी पे तो वृद्धि होगी, ना कि वर्तमान मूल पे। तो जो 3 वर्ष पहले होगा क्या होगा, 10% हो गया, तो 10, 10, 10, ठीक, 1000 उस साइड, 13/31 अगर 10% की हो रही। तो इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार क्या इतने परसेंट, तो 3 वर्ष पहले क्या रहा होगा, इतना, वर्तमान इतना हो गया। तो क्या जो पूछ रहे कितना है, वर्तमान मूल इतना है। तो वर्तमान मूल 2100 है, तो 2100 के नीचे क्या आएगा, 176 गुणा में 210, ठीक। तो आप लोग अब कैलकुलेशन कर लीजिए आप कि क्या होगा, ठीक। अब काट दीजिए आप लोग कितने से, 6, 7, 6, 13, 1, 14, 3 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, तो 2 से काटो, अच्छा 2 × 8 = 16, ठीक, 1 × 2 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, फिर 4 से काट दो, अच्छा फिर 4 से काटो, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 00, 4 से काट दे तो 44, नहीं 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 22, फिर 2 से काट दो तो क्या 11, फिर 2 से काट दो यहाँ चाहूँगा 2700, ठीक। तो कितना बचा यहाँ पे, 2700 × 105/11, बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, ठीक। आज का एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं, क्या कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, ठीक। आज का एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। आप लोग अगर इतना समझ गए कि कौन सा नीचे आएगा, किसका गुणा होगा, वैल्यू तो आपको है, तो ये हमेशा ऊपर ही रहेगी वैल्यू दे दी। अगर आंसर परसेंटेज में पूछ ले आपसे बच्चों, तो फिर वैल्यू की कोई महत्व तो नहीं होता वैल्यू का, ठीक, वो आपको गुमराह करने के लिए देते हैं, ठीक। आज का लास्ट सवाल देख लीजिए आप लोग। आज का बच्चों लास्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूरे 3 पैसे का सवाल। देखिए किसी कमरे के मूल्य में, क्वेश्चन लिख लीजिए, किसी
कैमरे के मूल्य में, सवाल क्या कह रहा है देख लू मैं थोड़ा, 10% की वृद्धि हुई। ठीक, के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई। ठीक, किसी कैमरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई। ठीक, वृद्धि हुई यदि पहले के मूल्य और वर्तमान मूल्य का अंतर 15 है, कितना है 15 है, ठीक, तो कैमरे का वर्तमान वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि कैमरे के किसी कैमरे के मूल्य में 10% पहले वर्ष कितना 10% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, यदि पहले के पहले वर्ष और वर्तमान के मूल्य में 15 का अंतर है तो कैमरे का वर्तमान मूल्य क्या, यदि पहले के मूल्य और वर्तमान मूल्य में अंतर कितना। देखिए किस प्रकार करेंगे इस सवाल को, देखो बच्चों किसी कैमरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई तो 10% बराबर 1/10, 10 से 11, तथा दूसरे वर्ष 20%, 20% बराबर बच्चों 20% बराबर होता है 5 से 6, 1/5 होता है, क्योंकि 10 × 50, 11 × 66। ठीक, तो क्या कह रहा है, अब देखिए पहले कितना इतना, अब कितना है इतना, अंतर कितना है इसका 16 का। ठीक, कितने का अंतर है यहां पर 16 का, सवाल में कितना अंतर दिया है 15 का, तो 15/16 और चाहिए किसकी है वर्तमान मूल्य 66 का गुणा। ठीक, तो काटो 2×8 = 16, 33, कितना होगा 15×3 = 45 की 5 × 7 = 4, 15×3 = 45 = 4, 4×49 = 8, 8×5 = 4, 6×48, 8×1 = 8, 10 8×7 = 8, 64, 61.8%, कितना 61.8 होगा किसका वर्तमान मूल्य। ठीक, ये रहा आपके सामने, देखिए किसी कैमरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई हो गई तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई कर दी, यदि मूल वर्तमान मूल और पहले के मूल का अंतर कितना है 15 दिया वहां पे, यहां पहले का मूल और ये वर्तमान मूल का अंतर कितना आया 16, 50 + 8 = 16। ठीक, तो इसके नीचे अंतर अंतर वैल्यू किसकी 15, वैल्यू किसकी 16, चाहिए किसकी वर्तमान के 66 की, गुणा कर लिया। ठीक, तो इतना 61 इतना रहा होगा। ठीक, लिखिए आप लोग, हो गया कितना 61 इतना रहा हो, क्या वर्तमान मूल्य इतना है वर्तमान मूल्य। ठीक, तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं खत्म करते हैं, कल हम देखेंगे अपनी तीसरी क्लास में
नेक्स्ट टाइप को, अगले टाइप को पढ़ेंगे। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जॉब तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।